हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, अभी बिग बॉस के अंदर सबका सिस्टम हैंग कर रखे हैं। तो कल जब कैरी मिनाटी अपने गेमिंग चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट करते हुए कहा कि यूट्यूब के दो बंदे बिग बॉस में गए हैं, उनको शॉर्ट आउट दे दो। फिर इस पे कैरी ने रिप्लाई करते हुए क्या कहा, आप लोग खुद देखिए। यूट्यूब के दो बंदे बीबीटी पे गया है शॉर्ट आउट। तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम दोनों से शाउट आउट सबको जो बिग बॉस जाते हैं, भाई निकल लो यहां से गाड़ी लेके, अगर मौका मिले तो। और ये भी यूके 0700 ने भी कल के ब्लॉग में एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में बातें करते हुए कहे कि एल्विश और फुकरा दोनों अपने भाई और मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं। एल्विश भाई गए बिग बॉस में, बहुत सपोर्ट करना भाई को, जितने भी लोग देख रहे हैं सपोर्ट हिम गाइस, अपने भाई हैं। जब वो बाहर आ जाएंगे ना, फिर एक रेस तो बनती है गाइस अपनी सुप्रा के साथ। सिस्टम मिला देना एल्विश भाई बिग बॉस के अंदर, फुल सपोर्ट टू यू मेरे भाई। अभिषेक भाई, फुकरा भाई भी अपने भाई हैं, सपोर्ट करना दोनों को, दोनों अपने लौंडे हैं। तो चलिए गाइस, जब बात कर लेते हैं एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बीच बिग बॉस में क्या चल रहा है। तो गाइस, जब फुकरा इंसान थोड़े से एल्विश यादव से मजे लेते दिखे, तो कहानी क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो कल जब गार्डन में आशिका भाटी, एल्विश यादव, फुकरा इंसान बैठे हुए थे, तो आशिका भाटी एल्विश यादव से पूछते कि यार तुम जिस तरीके से बात करते हो, जैसे तुम बाहर गुंडे हो, तुम सच में गुंडे वगैरह हो क्या? और ये सुनकर गाइस यहां पे एल्विश यादव को हंसी आ जाती है। वहीं पे गाइस फुकरा इंसान भी एल्विश यादव के ऊपर थोड़े मजे लेते हुए कहते हैं कि यार तू सच सच बताना, तू गुंडा है क्या बाहर? मेरे को तो गुंडा लगता है जिस तरीके से तू बातें करता है, सच सच बता क्या तू बाहर में सच में गुंडा गुंडा है क्या? तो फिर इस पे एल्विश यादव हंसते हुए कहते हैं, नहीं बे, मैं थोड़ा सा चटक दिमाग का हूं और थोड़ा सा मुंह फट हूं, साफ साफ बोल देता हूं गुंडा गुंडा नहीं हूं। जिसके बाद फिर से फुकरा इंसान मस्ती करते हुए कहते हैं कि एक तो साले मैं तेरे सुबह से जो रूप देख रहा हूं, बिल्कुल शांत स्वभाव का, सामने वाले लोग से मस्ती भी कर रहा और सबके सामने भी मस्ती कर रहा, और एक अचानक से तेरा झगड़ा होते ही पूरा का पूरा रूप बदल गया और मैं तेरा ये रूप से अपरिचित हूं, मैंने ऐसा तुम्हारा रूप कभी देखा ही नहीं था। ये सुनने के बाद एल्विश यादव कैमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आंटी जी देख रहे हो अपने बेटे को, मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को अपरिचित बोल रहा है और बोल रहा है कि मेरे को जानता ही नहीं है। और ये सुनकर फुकरा इंसान को हंसी आ जाती है। बट यहां पे कहीं ना कहीं फुकरा इंसान एल्विश यादव के मजे लेते नजर आते हैं। फिर वहीं पे फुकरा इंसान कहे कि देख यार, एक छोटे से गाने के लिए कितना बड़ा बवाल हो गया, अपन तो गाने की बात कर रहे थे तेरे शहर बीच रुका बाजे राव साहब का, और उन्होंने इस बात को मुद्दा बना दिया और कह रहे कि बाहर की बातें मत करो। फिर वहीं पे एल्विश यादव मजे लेते हुए कहते हैं कि देख लिया डंका बजा दिया सालों का, ये कोई मेरा शहर थोड़ी है, इनका ही शहर है, और इनका ही शहर में आके डंका बजा रहा है राव साहब। अब यहाँ पे एल्विश यादव की वाली बातें सुनकर फुकरा इंसान और आशिका भाटिया हंसने लग जाती है, जो कि सीन देखने लायक होती है। बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोग एल्विश यादव फुकरा इंसान को लेकर क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।